हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल दैट्स काला गर्ल। मैं हूं कांक्षा। आज के इस वीडियो में मैं अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूं सिंपल के एक्टिव स्किन बैरियर केयर रिस्टोरेटिव रिच क्रीम के साथ, जो कि आपको इस ऐप के आउटर बॉक्स में मिलती है। इस आउटर बॉक्स पे आपको सारी की सारी जरूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, इंक्लूडिंग इसकी फुल इंग्रीडियंट लिस्ट। और ये है इसकी ग्लास की मैट टब टाइप की इनर पैकेजिंग। तो सबसे पहले इसकी कंसिस्टेंसी देख लेते हैं। ये जो प्रोडक्ट है आपको थिक रिच क्रीमी कंसिस्टेंसी में मिलता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगी, अप्लाई करने के बाद ये तुरंत ही इंस्टेंट आपकी स्किन में हाइड्रेशन को बूस्ट करता है। इसे एब्जॉर्ब होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन एक बार ये एब्जॉर्ब हो जाए आपकी जो स्किन है वो तुरंत ही बहुत ही ज्यादा हाइड्रेटिंग और प्लम्पी लगती है। ऐसा लगता है बहुत सारा वाटर आपने अपने फेस पे स्प्लैश कर लिया हो। तो एब्जॉर्ब होने के बाद इसका जो आफ्टर इफेक्ट है वो देखने में मुझे बहुत ही अच्छा लगा। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगी इस प्रोडक्ट के क्लेम्स की। ये जो प्रोडक्ट है क्लेम करता है कि इसमें 22% की कॉन्सेंट्रेशन के साथ सेरामाइड बूस्टर डाले गए हैं, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग सेरामाइड्स का मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा होता है, तो इसीलिए वो आपकी स्किन में एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो इसमें 22% की कॉन्सेंट्रेशन के साथ सेरामाइड बूस्टर डाले गए हैं जो सेरामाइड सिंथेसिस में सपोर्ट करेंगे। ये जो प्रोडक्ट है क्लेम करता है कि डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप है इंक्लूडिंग सेंसिटिव स्किन, वीगन है, पेटा सर्टिफाइड है और इसके साथ साथ हाइपो एलर्जेनिक एंड नॉन कॉमेडोजेनिक भी है। इस प्रोडक्ट को मैंने अपनी ऑयली एक्ने प्रॉन स्किन पे गर्मियों में अप्लाई किया। तो जब ये जो प्रोडक्ट है मुझे रिसीव हुआ, सबसे पहले मैंने जब इसका पैच टेस्ट किया मुझे थोड़ा सा हैवी लगा। इवन मेरे हाथों पे भी ये काफी ज्यादा मुझे हैवी लगा। एक और भी चीज, जैसे कि मैंने आपको बताया ये एब्जॉर्ब होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, तो इनिशियली मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल थी कि मुझे अपनी ऑयली स्किन पे इसे लगाना चाहिए या नहीं। फिर भी मैंने सोचा कि सिंपल एक अच्छी ब्रांड है, ट्रस्टेड ब्रांड है, इसे अपने चेहरे पे लगाया जाए। तो इस प्रोडक्ट को मैंने रात में अपनी नाइट क्रीम की तरह यूज किया, क्योंकि दिन में यूज करना इसे पॉसिबल नहीं था। इसे अप्लाई करने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया एब्जॉर्ब होने के बाद बहुत ही अच्छी आपको फीलिंग देता है, लेकिन थोड़ा सा हैवी लगता है। इन गर्मियों के मौसम में मैं इसे बहुत ज्यादा दिन तक यूज नहीं कर पाई, लेकिन ये एक परफेक्ट मॉइस्चराइजर हो सकता है सर्दियों के मौसम के लिए। अगर इसके मेन इंग्रेडिएंट की बात करूं तो यहाँ पे आप इसकी फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट देख सकते हैं। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसकी इंग्रेडिएंट इसको नहीं बनाया गया है, इसमें एक्वा बेस की तरह यूज किया गया है। सेकेंड इंग्रेडिएंट इसका ग्लिसरीन है। इसके अलावा इसमें आपको सेंटेला एसियाटिका लीफ एक्सट्रैक्ट मिल रहा है, जो कि आपकी स्किन को सूद करता है, एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है, कॉलेजन सिंथेसिस को बूस्ट करता है आपकी स्किन में और सेरामाइड सिंथेसिस को भी सपोर्ट करता है। इसमें पैंथेनॉल है, आप विटामिन B5 के नाम से भी जानते हैं, ये भी स्किन बैरियर सपोर्टिंग इंग्रेडिएंट होता है। इसके अलावा इसमें विटामिन ई यूज किया गया है। इसकी जो ओवरऑल कंपोजिशन है उसमें आपको बहुत सारे मॉइस्चराइजिंग, स्किन सूदिंग एंड स्किन प्रोटेक्टिव इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं। इस प्रोडक्ट में आपको 40 ग्राम क्वांटिटी मिलती है, जिसकी एमआरपी है 549 रुपीज, लेकिन अमेजोन पे आपको ये आराम से 330 या 340 रुपीज में मिल जाएगा। मैंने इसे पर्सनली अमेजोन से परचेज किया था और अमेजोन पे अभी प्राइम डे सेल आने वाली है, आप वहां से इसे परचेज कर सकते हैं। 40 ग्राम क्वांटिटी आपकी बहुत दिन लास्ट करेगी, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा ही अप्लाई होता है और लगाने के बाद आपकी जो स्किन है वो बिल्कुल भी खींची खींची नहीं लगती। आप चाहें तो इसे दिन में यूज कर सकते हैं, मैंने पर्सनली इसे रात में यूज किया। ये जो प्रोडक्ट है इसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो किसी और स्किन एक्टिव के साथ रिएक्ट करे। तो इस प्रोडक्ट की एक अच्छी बात ये भी है कि आप इसे अपने किसी भी स्किन केयर एक्टिव के साथ यूज कर सकते हैं। विटामिन सी हो, रेटिनॉल हो, ट्रांजामिक एसिड हो, एजेलाइक एसिड हो, यानी कि किसी भी स्किन केयर एक्टिव के साथ आप इसे यूज कर सकते हैं। एज सच इस प्रोडक्ट में कोई भी ट्रीटमेंट करने वाला इंग्रेडिएंट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा और डीपली आपकी स्किन में हाइड्रेशन को बूस्ट करेगा। इसमें किसी भी टाइप की फ्रेग्रेंस या कोई भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट नहीं डाला गया। जितने भी दिन मैंने इस प्रोडक्ट को यूज किया एज सच मैंने किसी भी टाइप की प्रॉब्लम फेस नहीं की, एक्सेप्ट कि ये मुझे थोड़ा सा हैवी लगा। तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको कहूंगी कि आप इसे विंटर्स में ट्राई करें, और अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई है तो आप इसे किसी भी मौसम में यूज कर सकते हैं। मैं पर्सनली इस प्रोडक्ट को शायद रीपर्चेस ना करूं, क्योंकि मुझे अभी रात के लिए एक बहुत ही प्यारा सा मॉइस्चराइजर मिल गया है, स्किन 1004 का सेंटेला सूदिंग क्रीम। थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड में आती है, बट मुझे वो बहुत अच्छी लगी। अगर आपने इस प्रोडक्ट को यूज किया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस सबके साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना कंसीडर कर सकते हैं। मैं इसी टाइप के ऑनेस्ट रिव्यूज टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करते रहती हूँ। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। सी यू, बाय।